जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं पब्लिक अगेंस्ट करप्शन सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महावर धर्मशाला में आयोजित शिविर में विधिक सेवा परिषद के पूर्णकालिक सचिव पवन कुमार जीनवाल मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर एस सी मित्तल मौजूद रहे। यहां युवाओं और युवतियों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस दौरान गिरीश गुप्ता ने बताया कि आज युवाओं में रक्तदान के प्रति रुझान बढ़ रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पब्लिक अगेंस्ट करप्शन जो एक संस्था है, इनको निर्देशित किया गया था कि ये कुछ अच्छा कार्य करें। एक संस्था है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आगामी 12 जून को जो बाल श्रम निषेध दिवस, बालकों को लेकर के जो भी अपराध हो रहे हैं और बालकों को लेकर के जिस तरीके से श्रम में खतरनाक तरीके से उनको किसी प्रकार से नियोजित किया जाता है, उसके बारे में कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना और उससे संबंधित सभी प्रकार के उनके लिए चलाई जा रही स्कीम्स की जानकारी देना है। 12 जून को जो दिवस है, उस दिन हम लोग पूरे अलवर शहर में और ज़िले में जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति है, पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, इसे संबंध में विशेष रूप से जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे। जहाँ भी श्रम, बाल श्रम को लेकर के कोई शिकायत उन्हें मिलती है, उससे संबंधित विभागों को उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश वो पूरी तरीके से करेंगे। लोगों को जानकारी देंगे कि ये एक अपराध है और इस अपराध में कितनी सजा उनको मिल सकती है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी प्रकार के खतरनाक तरीके के नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर एवं पब्लिक अगेंस्ट करप्शन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ महावर धर्मशाला के अंदर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन में जागृति फैलाना, जिससे कि रक्त के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं कि रक्त देने से इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं या और अन्य तरह की कोई भी कमजोरी महसूस होती है, उन सबों को दूर करने के लिए ही यह कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है।